हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका माँ के हाथ का स्वाद विद शालू चौधरी में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों की एक स्पेशल रेसिपी, जो कि है गेहूं के आटे के लड्डू, जिसको खाकर आप गर्मियों में भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लड्डू देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे हम मार्केट से लेकर आए हैं। और आप ये देखिए इसका टेक्स्चर किस तरह का है, बिल्कुल दानेदार लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं। लगता भी नहीं कि ये गेहूं के आटे के लड्डू बनाए गए हैं। और खाने में जो इनका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है, सभी को काफ़ी पसंद आया है फैमिली में। तो बच्चों को आप स्नैक्स टाइम पे या नाश्ते में भी एक एक लड्डू दे सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी इनको ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्वीट सी रेसिपी को बनाना। ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक भारी तली का बर्तन, आप कोई भी भगोना या कढ़ाई, जो भी भारी तली का होना चाहिए बेसिकली वो हमें यूज़ करना है। उसमें हम लेंगे 200 ग्राम देशी घी, और देशी घी जब हमारा मेल्ट हो जाता है तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 4 चम्मच सूजी, या फिर 50 से 60 ग्राम अगर मैं वेट में बात करूं तो 50 से 60 ग्राम सूजी हम यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पे फ्लेम हमें रखनी है मीडियम टू लो, और इसको हमें 1.5 से 2 मिनट ऐसे ही भूनना है। जब 1.5 से 2 मिनट हो जाती है तब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा, जिसकी हम चपाती बनाते हैं घर में नॉर्मल आटा, वही आटा हमें यहाँ पर छानकर यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 200 ग्राम ही आटा मैंने यहाँ पर लिया है। और आटा डालने के बाद हम इसको उसी फ्लेम पर, सेम मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको भूनेंगे और ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि इसमें घी शायद थोड़ा कम पड़ रहा है, क्योंकि डालने के तुरंत बाद ना ये पूरे घी को अब्सॉर्ब कर लेगा आटा। लेकिन यहाँ पे हमें इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि हम इसमें और घी डालें। जैसे ही 4 से 5 मिनट होगी तो आप देख सकते हैं कि आटा जो है ना वो घी को रिलीज़ करना शुरू कर देगा। ये देखिए कितना ढीला और थोड़ा फ्लफी सा ये होने लगा है। हमको इसको ऐसे ही भूनते रहना है। अगर तेज़ आँच करेंगे तो आटा जो है वो हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं भुनेगा, उसमें आधे कण रहेंगे और आधे जल जाएंगे। जब आपको 8 से 10 मिनट हो जाती है तो आटा हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये देखिए ये पूरी तरह से घी को रिलीज़ करने लगा है। यहाँ पर हम गैस कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बल्कि गैस बंद करने के बाद 1 से 2 मिनट हमें इसको बीच बीच में एक दो बार चलाना है, क्योंकि भारी तली की कढ़ाई है तो नीचे से ऐसा है जो नीचे की लेयर है आटे की वो कढ़ाई में लग ना जाए या थोड़ा डार्क ना हो जाए, तो बीच में एक दो बार इसको हमें चलाना है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, ठंडा हो जाता है हमारा आटा, तो इसमें मैं डालती हूँ चावल खाने वाली जो नॉर्मल चम्मच होती है घर में, वो 4 चम्मच मैंने यहाँ पर डाले हैं मगज, यानी खरबूजे के बीज, जो कि तासीर में ठंडे होते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है मीठा, तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है गुड़ का। लगभग सेम क्वांटिटी में मैंने गुड़ लिया है 200 ग्राम, या जिस बर्तन से हम सूजी लेते हैं उसी बर्तन से हम गुड़ ले लेंगे। अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा है और आप गुड़ नहीं खाते गर्मी में, तो आप इसमें सेम क्वांटिटी में देशी खांड या फिर जो धागे वाली मिश्री होती है ना, उसको पीस कर और उसका पाउडर बनाकर वो आप सेम क्वांटिटी में यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स। मिक्स करने के बाद अब लास्ट इन्ग्रीडियंट है हमारा कोकोनट का पाउडर, यानी जो सूखा नारियल का पाउडर आता है ना, नारियल का बुरादा जिसको बोलते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट, वो हम इसमें डाल देंगे 50 ग्राम, या उसकी जगह जो सूखा गोला होता है उसको कद्दूकस करके वो भी आप डाल सकते हैं। और अब हम किसी भी स्पून या कोई ऐसा छोटा चमचा टाइप हो जिससे हम सेम क्वांटिटी में ये मिक्सचर लेंगे और लड्डू बनाएंगे, जिससे जो हमारे सारे लड्डू हैं वो सेम साइज़ के बने। तो ये देखिए कितने परफेक्ट लड्डू हमारे बनकर तैयार हुए हैं, आप भी बनाइए और फैमिली को खिलाइए। बस 2-3 बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है और आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। पहला, आपको भारी तली का बर्तन लेना है। दूसरा, आपको सूजी को पहले ही भून लेना है, क्योंकि सूजी भुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, आटा बारीक होता है वो जल्दी भुन जाता है। और तीसरा, जब आप इसमें मीठा डालेंगे तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ या देशी खांड या फिर धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं। तो बनाइए इस हेल्दी सी रेसिपी को और इन्जॉय कीजिए। और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपना सपोर्ट देने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके लड्डू कैसे बने हैं। साथ ही आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं ऐसी ही ढेर सारी हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए, और इंस्टा पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।